Hello everybody, Ruby Joseph here. I'm so happy to meet you. I'm just waiting to meet you and disclose so many secrets of Satan unto you so that you'll be able to save yourself from his evil devices. Hello everybody, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलने के लिए और आपको बताने के लिए कि सचमुच में खुदा यीशु मसीह आपको किस तरह से शैतान के चुंगल से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ बता रहा है. Today I want to tell you that when a person becomes a member of Satan, आज मैं आपसे ये बताने वाली हूँ कि जब एक इंसान सैतन का मेंबर बनता है, the first thing Satan gives him, him or her, is this thing, number, computerized number. और पहली बार जब मेंबर बनता है तो उसको computerized number उसके माथे पे लगाने के लिए बोलते हैं. That number has to be stayed for 24 hours. वो number 24 घंटा उसके सिर पर रखना चाहिए. After 24 hours, there are so many demons enter into the person's body. और उसके बाद में ये number 24 घंटे के बाद में बहुत सारी आत्माएं जो स्टार्ट में शरीर के अंदर घुसते हैं. And on full moon and no moon, this person has to use the dresses and all the ornaments which Satan gives. अमोशा और पूर्णिमा की शाम को इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें पहनना पड़ता है जो शैतान उनको देता है. मैं व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स, अब ये सब चीज़ें क्या है, लेट मी टेल यू. और वो ये कहता है कि देखिए उसको ये देते हैं काजल, लिपस्टिक, परफ्यूम, ड्रेस, ओढ़नी एंड नोस रिंग, फिंगर रिंग, स्टोन रिंग, टॉप फिंगर रिंग, चेन फॉर एंकल्स, मंगलसूत्र, ये सब सारी चीज़ें शैतान उनको देता है कि नाक की नथनी, काजल, लिपस्टिक, परफ्यूम का पेंचल और कपड़े हैं वो सब सबसे और ओढ़नी है, सारी चीज़ें शैतान उनको देता है. लिपस्टिक, परफ्यूम, सेंट भी शैतान उनको देता है. और ये चीज़ें सब देने के बाद में एंड आफ्टर गिविंग दिस थिंग्स दे हैव टू वर्शिप दिस अदर तुलसी प्लांट और अदर प्लांट वेयर सेवर दैट एन्चेंटेड पॉट हिज केप्ट बिलो द प्लांट. और ये सब चीज़ें पहनने के बाद में जहाँ कहीं भी वो मंत्र मारा हुआ मटका रखा जाता है जिस भी झाड़ के नीचे उसकी पूजा करना होता है. एंड दैट एन्चेंटेड पॉट कंटेन्स एशेस ऑफ डेड stones and bones of the this thing, human bones and blood of human and other things. और इस मटके में है होता है कि जो मरे हुए की राख होती है, उनके हड्डियाँ होती है, इंसान का खून उसमें डाला होता है और फिर उसके ऊपर वो पेड़ लगाया जाता है या झाड़ लगाया जाता है. That and they have to worship this plant on either on full moon or no moon. और ये चीज़ें जब उनको करते हैं तब वो अमावस्या या पूर्णिमा के वक्त करते हैं. And the thing is that when they apply काजल, अच्छा बोलने का मतलब ये है कि जब वो काजल लगाते हैं immediately they can see in the spirit realm. The spirit realm is open for them. और उसी वक्त उनके लिए जो रूहानी जग है वो खुल जाता है. They can see everywhere snakes move, crawling upon the people's body, on the ground, on the walls, on the ceiling. Everywhere they can see snakes and familiar spirits. हर जगह पे वो उनकी आंखें खुलने के बाद में वो सब देखते हैं कि सब जगह सांप है और अलग सारे शैतानी जानवर है और वो सारे सांप लोगों को जकड़े हुए है, दीवारें पे है, ज़मीन पर है, छत पर है, सब जगह सांप ही सांप उनको नजर आते हैं. They get scared. अब उनको डर लगता है. They have to, this reaction of this काजल stays for 3 days. और ये जो इसका काजल का पावर है वो 3 दिन तक चलता है. On that full moon day, earlier you have to apply it. पूर्णिमा के एक दिन पहला वो लगाना होता है. सो दैट नाइट फुल डे एंड द नेक्स्ट डे ऑल्सो. सो लाइक वाइज 3 days दैट पावर रिमेन्स ऑफ दैट काजल. एंड इस ये काजल लगाने के बाद में 3 दिन इसका असर होते रहता है.
And the one and said that means a dimnik vulture, as soon as you apply it, a dimnik vulture will come and stand in front of you. और जब ये काजल लगाते हैं तो एक शैतानी वल्चर है वो आके जो मरे हुए लोगों को खाते हैं, जो वल्चर जिसको बोलते हैं गिदड़ गिदड़, वो आके खड़ा होता है. बट दिस वल्चर इज इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन ये वल्चर है वो इंसान की तरह होता है. ही हैज गॉट ए बिग टेल एंड विंग्स ऑल्सो. और ये जो वल्चर है उसको ये जो गुबड़ होता है उसको पंख भी होते हैं और उसको दुमची भी होती है. एंड ही कम्स एंड ही कम्स विद ए विप, और वो एक चाबुक लेके आता है. एंड ही विल आस्क द पर्सन टू ईट द मीट ऑफ ह्यूमन एंड ड्रिंक द ब्लड ऑफ ह्यूमन, और वो उस इंसान को कहता है कि तू इंसान का खून पी और इंसान का मांस भी खा. If the person agrees, then he will teach the person so many other things. और अगर वो इंसान ने सुना तो उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है. And if the person will not listen, he will go on whipping, whipping, whipping the person till that person agrees. और अगर वो इंसान ने सुना नहीं तो उसको चाबुक से मारते रहता, मारते रहता, मारते रहता, जब तक वो सुनता नहीं. The and when he is not, this person is not listening, he's been chained by heavy chains, hands and feet are chained. और जब ये इंसान सुनता नहीं है तो अचानक से उसके जो हाथ और पैर में बड़ी बड़ी सांकलियाँ लग जाती है. And this thing takes over for 3 days and 3 nights. और ये सब चीज़ें 3 दिन और 3 रात चलती है. This is the way this thing, the dimnik vulture, he comes and he does it. इसी प्रकार से जो शैतानी गुबड़ है वो आके वो काम करता है. Now, I'll tell you one incident which really happened in my this thing in my that means life. एक उदाहरण आपको देती हूँ जो सच में मेरे लाइफ में करा है. आई हैड अ प्राइमरी टीचर एंड दिस लेडी शी वॉज वेरी शी इज़ वेरी नाइस, शी इज स्टिल लिविंग. और मेरी एक प्राइमरी सेक्शन की टीचर जो थी वो चौथी क्लास तक का जो पढ़ाने वाली टीचर थी एंड वो बहुत अच्छी थी. एंड इन हर हाउस वन मैन वॉज स्टेइंग, और उसके घर में एक इंसान रहता था. एंड शी वॉज ही वॉज ऑलवेज कंट्रोल द होल फैमिली, और वो पूरे परिवार को कंट्रोल करता था. And he will not allow, that means no, whenever they fall sick or something will happen, they'll call me for prayer. और जब भी उनके घर में कोई प्रॉब्लम होता था तो मुझे प्रार्थना के लिए बुलाते थे. But this person would not like it. लेकिन इस इंसान को अच्छा नहीं लगता था. So one day while they were fighting and I was just passing by, एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग fighting लड़ रहे थे इस आदमी के साथ में, और मैं वहाँ से गुजर रही थी. The door automatically opened and he called me, Ruby, come here. तो और अचानक से दरवाजा खुला और उसने मुझे बोला कि रूबी यहाँ पे आओ. एंड व्हेन द डोर ओपन्ड आई जस्ट वेंट इन एंड आई आस्क्ड अंकल व्हाट हैपेंड. सो ही सेड सी टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय रियल दैट मीन्स रियल फॉर्म, और आज मैं तुझे मेरा अपना असली रूप दिखाऊंगा. सो ही सेड जस्ट यू वॉच. And within a fraction of a second, he opened his wings and I saw the tail and everything like that. And in a fraction of a second, he turned into a dimnik vulture. और एक झटके में वो खुद को शैतानी वल्चर ने घुबड़ बन गया. And he covered me with his wings. And he was very tall. Now, more than 15 feet height, he was tall. और वो 15 feet से ज़्यादा ऊंचा था. And he bowed down and he brought his face near to my face. And he said that, would you like to be my like me? और उसने अपने चेहरा मेरे पास लाके मुझे बोला कि क्या तुझे मेरे जैसा बनना है. I said, no, I don't want to become like you. मैंने कहा मुझे नहीं आपके जैसा नहीं बनना है. Then he said that, like whom would you like to become? तो बोला कि आपको फिर किसकी जैसा बनना है. I said, I want to become like Jesus. मैंने कहा कि मुझे जीसस की तरह से, खुदा यीशु मसीह की तरह बनना है. The moment I took the name of Jesus, immediately he came back to his normal size, a human size, and his right wing got burnt. और जैसे ही उसने खुदा यीशु मसीह का नाम सुना, उसका पर जो उसकी साइज कम हो गई और उसका जो राइट साइड का जो पंख होता है वो जल गया. मिस केम आउट एंड शी वाज शाउटिंग एट हिम एंड शी वाज टेलिंग हिम, सो मेनी टाइम्स आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू नॉट टू गो टू नियर द रूबी, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी. और मिस बाहर आई, मिस ने कहा कि मैंने कितनी बार तुमको कहा कि रूबी के नज़दीक नहीं जाने, तुम क्यों जाते हो. और एंड व्हेन एवर यू गो नियर टू हर यू गेट हर्ट, और जब भी तुम उसके नज़दीक जाते हो तुमको दुख होता है. सो दिस इज द रियलिटी ऑफ ए डिमनिक वल्चर. अरे ये डिमनिक वल्चर का असलियत है.
I'll in the coming future, coming days, I will tell you more things about डिमनी कल्चर। और आने वाले दिनों में मैं आपको डिमनी कल्चर के बारे में, वह घुबड़ के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगी। इन द इफिशियंस 113 ईयर सेड, हु हैथ डिलीवर्ड अस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस एंड हैथ ट्रांसलेटेड अस इन टू द किंगडम ऑफ हिज हेयर, किंगडम ऑफ हिज हेयर। और इसने इफिस 1:13 में दिया है, कोलोसियंस 1:13 में दिया है, एंड कलिसी 1:13 में दिया है, जिसने हमको छुटकारा दिया है और अपने बादशाहत का मेंबर बनाया है। उस खुदा को हमने पूछना चाहिए। और उसमें रेवल्यूशन 20:10 इट इज सेड दैट एंड द डेविल दैट क्रिएटेड देम वाज कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर एंड ब्रिमस्टोन वेयर द बीस्ट एंड द फॉल्स प्रॉफिट्स आर एंड शैल बी टॉर्मेंटेड डे एंड नाइट फॉर एवर एंड एवर। और ये जो शैतान है, वो जिसको बनाया गया है, उसको आग में की भट्टी में डाला गया है। प्रकटीकरण 20वां अध्याय 10वें वचन में दिया है, एंड ये से दैट इट इज सेड दैट ही द वन हु इज नॉट अंडर ग्रेस, हु इज गॉट इज नो किंगडम, हाउ कैन यू फॉलो हेम। और जिसके पास अपना खुद का राज नहीं है, खुद के कोई भविष्य नहीं है, जिसको अंधकार में डाला जाएगा, जिसको आग की भट्टी में डाला जाएगा, उसके पीछे आप लोग कैसे जाते हैं? यू मस्ट फॉलो ए पर्सन हु हैज अ फ्यूचर, हु विल गिव योर लास्टिंग लाइफ एंड यू विल स्टे फॉर एवर लास्टिंग ईयर्स, देयर वोंट बी डेथ अंटू यू। और आपने ऐसे के पीछे जाना चाहिए जो आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है और आपको कभी मौत नहीं देगा, एंड दैट वन इज ओनली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही आपको दे सकता है। एंड बिकॉज इट सेड जीसस इज सेड आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, John 11:25। एंड सो उस खुदा ने इसमें कहता है कि मैं जीवन और अनंत काल का जीवन हूँ। ही सेड कम ऑन टू मी एंड आई विल गिव यू द किंगडम ऑफ हेवन। और खुदा ने इसमें से कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें मैं अनंत काल का जीवन दूंगा करके। इवन ही सेड इन दिस थिंग Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, and rulers of darkness, and spiritual wickedness in heavenly places. हम एक मी के साथ लड़ाई नहीं करते, Ephesians 6:12 में दिया है, लेकिन हम सैतानी ताकत से, हम सैतानी बदरुहों से, और हम सारी बुरी ताकतों से हम लड़ते हैं। जो और खुदा जो जिसके साथ में हमारी लड़ाई है, वो युद्ध है, वो शैतान है और उसके साथ में है। ही सैटन इज नॉट अंडर ग्रेस पीरियड, शैतान कृपा के इसमें नहीं है। वी आर अंडर ग्रेस पीरियड, हम लोग कृपा के अंदर है। सो लेट्स फॉलो जीसस, लेट्स फॉलो द ट्रूथ। और इसीलिए हम सच्चाई के पास जाएंगे और सच्चाई को ही अपनाएंगे। आई थिंक दिस इज गुड फॉर यू नाउ। और मुझे लगता है कि ये सब ठीक है आपके लिए। दिस इज शॉर्ट टीचिंग, बट आई थिंक इट विल एंटर योर हार्ट एंड माइंड एंड यू विल नो वेयर टू फॉलो एंड हुम टू फॉलो। ये छोटी सी चीज सिखान आपको बताएगी कि आपने कहाँ जाना है, किसके पीछे जाना है। आई विल आस्क यू, आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट टेक द ब्लड ऑफ पीपल अपॉन योर हैंड्स, बट शेयर दिस क्लिप टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमेशा की जीवन लीजिए, आप नुकसान मत होने दीजिए। और यही क्लिप है, यही जो वीडियो है, वो आपके दोस्तों में बार बार ज़्यादा फैलाइए, सो दैट मेनी विल बी सेव्ड फ्रॉम सेटन्स ग्रिप एंड दे विल एंटर इनटू द एवरलास्टिंग लाइफ, ताकि सब कोई शैतान के चुनौती से छुटे और अनंत काल का जीवन पाए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, लव यू, बाय, लव यू।